सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ है टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज किसके साथ मैच करेगी, किसके साथ रेजोनेट करेगी, ये चीज़ आपको चेक करनी है। जितना मैं रेजोनेट करे रीडिंग उतना ही लीजिए, क्योंकि जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है। अगर आपके साथ लगता है आपको मैच नहीं कर रही है तो छोड़ सकते हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो बस अपनी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए और पर्सनल ही टैरो कार्ड रीडिंग ही से ही मैं सेटिस्फेक्शन होऊंगा या मुझे उसी से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो मुझसे ले सकती हैं। ठीक है, मेरा नंबर जो है वो आप नोट कर सकते हैं, 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, आपकी जन्म पत्री कुंडली एंड आपका मैरिज, लव, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ों को डिटेल में टैरो कार्ड रीडिंग से, हर कुछ सिर्फ आपके नेम और प्लेस से। करना क्या है आपको, आपके पर्सन का नेम देना है, प्लेस देना है और आप रीडिंग ले सकते हैं। पेड सर्विस है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग क्या कुछ खास होने वाली है, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ है ऐसा जो मुझे कार्ड में दिख रहा है और आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, कीप पेशेंस। तो मैंने अपनी कैंडल को जो है वो लाइट कर लिया है और मैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक कर रही हूँ। फोकस कीजिए आप कैंडल के लॉ पर। कैंडल से एनर्जीज ऐसा लग रहा है, कैंडल एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है जो वैक्स गिर रही है कि आपके पर्सन ने काफी लंबे टाइम से आपसे बात नहीं की है, जिससे वो इमोशनल होकर रो रहे हैं। कैंडल को देखकर ऐसा लग रहा है, जो एनर्जीज दिख रही है मुझे, काफी ज्यादा सैड नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, और ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन किसी बात को लेकर वो बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, बात नहीं कर रहे हैं और कोई भी क्लैरिटी भी उनकी तरफ से आपको नहीं मिल रही है। इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक है, या आपको इन्होंने ब्लॉक में डाल रखा है, ब्लॉक लिस्ट में, या फिर इनके और आपके बीच में अभी कोई भी बातचीत नहीं है। इन्होंने आपके साथ एकदम से अपने सारे कॉन्टेक्ट जो है वो खत्म कर दिए हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप बहुत दिख रहा है, कहीं कहीं एज गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और आप, हो सकता है कि आप दोनों ही ऑलरेडी मैरिड हो आप दोनों ही, या फिर आप वन सेट सिंगल मैरिड वाली एनर्जी में भी आ रहे हो। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है जिसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है। ये पर्सन पीछे की बातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके साथ जो बताया हुआ इनका टाइम है, यानी कि पास्ट में जो कुछ चीज़ें हुई हैं आपके बीच में, कांटेक्ट हुआ है पास्ट में आपका, आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है ना, वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं जिनको ये बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। हर वक्त उन चीज़ों को मिस करते हैं, हर वक्त उन बातों को याद करते हैं और याद करके एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं। इन पर्सन की फीलिंग्स, अगर भावनाएँ इनकी देखी जाए तो इनकी भावनाएँ आपके लिए बहुत ही ट्रू हैं, फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ट्रू है, और ये पर्सन जो है ये पूरा फ्यूचर आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। इन पर्सन के साथ आपका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों के ही दिल में बहुत ज्यादा अटैचमेंट है एक दूसरे को लेकर। अटैचमेंट अगर देखा जाए तो, अगर आपकी एनर्जीज को चेक किया जाए तो आपकी खुद की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसी आ रही है कि आप हर वक्त इस पर्सन को याद करते हो और आपके दिल में, दिमाग में हर वक्त ये पर्सन एकदम, जैसे होता है ना, एकदम माइंड में बैठ सा गया है, वो चीज़ दिख रही है। 24 आवर्स ही आप लोग एक दूसरे के लिए बेचैन रहते हो। कैंडल से मैं जो एनर्जीज को देख रही हूँ, रुकी हुई एनर्जीज की वजह से एनर्जी स्लो हो रही है और आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका इनके साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन है, जिस तरीके से डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है, आप ट्विन फ्लेम के जोड़े में दिख रहे हो, आपको सोलमेट हो, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि सोलमेट एनर्जीज में क्या होता है ट्विन फ्लेम में,
कि एक इंसान उधर याद करता है, इधर पता चल जाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर वो आपको मिस करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई वो इंसान हमें आज याद कर रहा है, उसके दिल में आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है या वो बहुत ज़्यादा मुझे मिस कर रहा है, तो आपको यहाँ पर फीलिंग्स हो जाएगी। तो डिवाइन कनेक्शन सीधा सीधा आपको ऐसे पता चल जाएगा कि डिवाइनली आप ब्लेस्ड हो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली आपका मिलन होगा और आप अलग हो ही नहीं सकते। थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो एनर्जीज आ रही है, जैसे मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, तो थर्ड पार्टी का कंट्रोल मुझे यहाँ पर दिख रहा है और कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है कि आपके साथ इनकी एनर्जीज जो है वो स्ट्रक आ रही है। थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इन्होंने अपने जो भी पहले मतलब कुछ आपका और इनका बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग थी, एक अच्छा रिश्ता था, आपसे मैरिज के लिए भी प्रॉमिस किया था, या फिर आप मैरिज करने वाले थे, या फिर एक लाइक का मैरिड कपल की तरह ही आप रहते थे, है ना। लेकिन थर्ड पार्टी के आ जाने के बाद से इनका बिहेवियर चेंज हो गया और उस बिहेवियर में मतलब ये जो पर्सन है ना, इन्होंने तो जैसे कि मतलब अपने इरादे ही बदल दिए, बात करने का तरीका ही बदल दिया और एकदम ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं ऐसा लग रहा है कैंडल को देखकर। लेकिन असलियत जो दिख रही है अभी भी, असलियत यहाँ पर यही दिख रही है कि ये पर्सन ठीक है, इन पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रू है और ये पर्सन भले ही आपको शो करके दिखा रहे हो कि इनकी फीलिंग्स भावनाएं आपके लिए नहीं है और ये आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन एनर्जीज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। एनर्जीज को देखकर अभी भी यही लग रहा है कि भाई इस पर्सन के दिल में सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा इस पर्सन ने किसी को भी ना तो चाहा है, ना ही आपके अलावा किसी को जाना है, ना ही आपके अलावा किसी को चाहता है। ये पर्सन भले ही इस वक्त आपके साथ हो सकता है कि झूठ भी बोल रहे हो कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है आपके साथ, या फिर इग्नोर कर रहे हो आपको और आपको ऐसा लग रहा हो कि रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन बराबर यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पर्सन के दिल में प्यार होने के बाद भी वो अपने प्यार को नहीं दिखा रहे, शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जीज है और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट भी हो सकते हैं। यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं, फिर टैरो कार्ड से देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें, जो भी है प्लीज गाइड करें, एनर्जीज बताएं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, थोड़ा सा शेयर करें यहाँ पर क्या चीज चल रही है। आपकी ना रिलेशनशिप की एनर्जीज स्टक हो रही है, जिससे क्या होता है कि आपका रियूनियन होते होते कई बार रुक जाता है। अभी भी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की जैसे दिल में फीलिंग्स है ठीक है, और वो उनका एक्शन भी दिख रहा है कि वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव एनर्जीज है ठीक है। देखो एक साइकिल होता है ना, उसने पूरा घेरा लगा के रखा हुआ है, ऐसे समझ लो वो साइकिल आपको ना तो आगे बढ़ने दे रहा है और ना ही आपको पीछे जाने दे रहा है। उससे क्या हो रहा है कि आप वहीं के वहीं एक जगह स्टक हो गए हो, तो वही चीज आपके साथ चल भी रही होगी काफी लंबे टाइम से। आप प्रयास भी कर रहे होगे, एफर्ट्स भी डाल रहे होगे, बट वो एफर्ट्स भी आपके काम नहीं आ रहे होंगे अगर एनर्जीज स्टक है तो, है ना। तो उस चीज को आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनली डीपली चेक कराने की जरूरत है, उसके बाद आप उपाय कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं और अपने जो भी आपकी रुकी हुई एनर्जीज है उस पर ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपका रियूनियन हो जाना चाहिए था ठीक है, आपका रियूनियन हो जाना चाहिए था। और क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज है ना पार्टनर की साइड से, मतलब उसके वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, मतलब फैमिली वाले हो सकते हैं, जो फैमिली वाले उनकी मैरिज कहीं और करना चाहते हैं या फिर कहीं और मैरिज कर दी है, तो ये सारे सिचुएशन में घिरे हुए हैं आपके पर्सन ठीक है। लेकिन वो तो आपसे ही लव करते हैं ना, उनकी फीलिंग्स तो आपके साथ ही है, वो किसी और के साथ उनकी फीलिंग्स है ही नहीं। और ये रुकी हुई एनर्जीज यहाँ पर इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका पर्सन आपके लाइफ के अलावा, आपके रिलेशनशिप के अलावा उसकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप है ही नहीं, और अगर कोई रिलेशनशिप उसकी लाइफ में है तो वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि उनका उनका माइंड पूरा आपकी तरफ है। अब भाई आप ये कह सकते हो कि भाई आप पास्ट से उठकर आए हो, पूर्व जन्मों का रिश्ता, इसलिए भी हो सकता है कि आपके अलावा कोई उनके दिमाग में नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपके साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा है,
तो ये चीज है। लेकिन आपके बीच में कार्मिक है, ये चीज डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है, कार्मिक बहुत ज्यादा है आपके बीच में, और कार्मिक एक जगह इकट्ठे होकर आपकी और आपके पर्सन की एकदम नेगेटिव एनर्जीज को सेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से रियूनियन की पॉसिबिलिटीज होने के बाद भी आपका रियूनियन होते होते रुकता है। कई जगह मैं देख रही हूँ मैरिज की चांसेस बनते हैं आपके, और मैरिज के चांसेस बन जाने के बाद भी आपकी मैरिज पॉसिबल हो ही नहीं पाती है। मतलब मैरिज के चांसेस बनते हैं कि हाँ मैरिज हो जाएगी, फिक्स भी होती है मैरिज, है ना, बट मैरिज हो ही नहीं पाती है। निगेटिव एनर्जीज ने इस तरीके से घेर लगा के रखा हुआ है कि आपकी एज भी हो चुकी है, और काफी एज हो चुकी है, और अब आपकी मैरिज इस वक्त हो जानी चाहिए। आपके फैमिली वाले भी परेशान है इस बात को लेकर, लेकिन मैरिज रुक जाती है आपकी शादी। शादी को लेकर मैंने कई बार पहले भी उपाय दिए हैं, आप उन उपायों को कर सकते हैं, बाकी क्या मुझसे भी संपर्क आप कर सकते हैं और डीपली जानना चाहते हैं तो। देखो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, इस वक्त की जो ऊर्जा आ रही है आपके पर्सन की, उनका एक्शन तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लोज से दिखाई दे रहा है, और एक्शन उनका जो पहला एक्शन वो यही दिख रहा है कि वो आपके रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे। सबसे पहला एक्शन ये है कि वो अगर जा भी चुके हैं तो उनकी पॉसिबिलिटीज हजार गुना यह दिख रही है कि वो आपकी लाइफ में आएंगे। अगर ऐसा है कि वो जा चुके हैं या फिर उन्होंने एकदम से रिश्ता बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो भी मुझे यहाँ पर उनका एक्शन दिख रहा है, और ये एक्शन कब का हो भी जाना चाहिए था। लेकिन अगर आपको ये है कि मेरा तो अभी तक नहीं हुआ है रियूनियन, इसका मतलब है एनर्जीज किसी पॉइंट पर रुकी हुई है, और वो एनर्जीज जो रुकी स्टक एनर्जीज है उसी की वजह से रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वरना जो पर्सन की अभी डीपली एनर्जीज दिख रही है ना, वो एनर्जीज आपके अलावा किसी को चाहते ही नहीं है वो। हाँ ये चीज हो सकती है कि उनकी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हो, लेकिन आप एकदम खास स्पेशल हैं उनकी लाइफ में, होता ना स्पेशल इंसान, है ना, वो चीज है आप। मेंटली फिजिकली मुझे लग रहा है स्ट्रांग रहे हो आप एकदम, आपका रिलेशनशिप रहा है, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है, एक अच्छा बॉन्डिंग रही है, एक अंडरस्टैंडिंग रही है, आपने उनको फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया है, और अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें आपकी ज़रूरत है, और उनको लगता है कि आप ही हो जो उन्हें संभाल सकते हो, समझ सकते हो, ये चीज़ उनकी दिख रही है। कई बार जगह तो मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को उन्होंने अपने दिल की बात बता दी है, आपके प्यार के बारे में भी बता दिया है, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी को भी उन्होंने क्लियर कर दी है। हाँ ये पर्सन आज भी आपसे ही प्यार करते हैं, उनके दिल में आज भी आप ही हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप लोग, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा शो हो रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो आप, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका चल रहा है, लेकिन जब से थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई है तब से आपके पर्सन को न जाने क्या हो गया। कुंभ, कन्या, धनु, कैप्रिकॉन, लिब्रा, मेष, मीन, कैंसर, जैमिनी, टॉरस की एनर्जीज मुझे वाइब्रेट हो रही हैं, इस तरह की एनर्जीज मिल रही हैं। कोई एंजल साइन आपको पर्टिकुलर बहुत लंबे टाइम से दिख रहा हो, एक एंजल साइन कोई ऐसा जो बार बार आपके सामने आ रहा है, ये रियूनियन का ही साइन है, और कोई भी ऐसा साइन जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको उनकी याद दिला दे, आपके पर्सन की याद दिला दे, तो समझ लेना कहीं ना कहीं वही है जो आपको मिस कर रहे हैं, या फिर संदेश भेज रहे हैं यूनिवर्स से, प्रार्थना वो करते हैं ना जैसे, तो वो संदेश आपको यूनिवर्स पहुंचा देते हैं, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। शादीशुदा लोगों के लिए भी बता देती हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा मेरे को बोला जाता है मैम शादीशुदा, भाई मैं सभी की रीडिंग करती हूँ, आप लोग ये क्यों सोचते हो कि मैं शादीशुदा की अलग से करूंगी, उनकी अलग से करूंगी, मैं सभी की एक कॉमन रीडिंग कर रही हूँ, आप अपने ऊपर ले सकते हो अगर आपको मैच करती हो, नहीं करती है तो बात अलग है। तो यहाँ पर मैरिड अगर आप लोग हैं और आपका डाइवोर्स की स्थिति आ चुकी है आपकी मैरिड रिलेशनशिप में, मैं अलग से कर देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करंट फीलिंग यहाँ पर जो आ रही है वो यहाँ पर फैमिली बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन दिख रहा है ना, वो कनेक्शन स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पर शादीशुदा लोग अलग हुए हैं, अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप है तो मैं यहाँ पर बोलूंगी चांसेस आपके जो रिश्ते के टूटने के जो आपको दिख रहे हैं ना, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं दिख रहे हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। सेकेंडली अगर आप कोई नया पर्सन चाहते हो कि भाई आपका रिश्ता टूट चुका है, आप कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आएगा, तो मैं आपको बोलूंगी कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। बाकी का मैंने जनरल जो सारी लोगों की रीडिंग होती है वो की है, और अभी टैरो कार्ड से चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर टैरो कार्ड से एनर्जीज को चेक करेंगे। राशियां मैं आपको इसीलिए बता देती हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बताती चलती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आप समझ सके एनर्जीज को, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल टैरो कार्ड से चेक कर लेंगे एनर्जीज को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करिए। इस टाइम पर किया हुआ दान बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। अगर आप दान नहीं करते हैं तो इस टाइम पर दान जरूर करें, ठीक है। दान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस समय पर। डोनेशन कर सकते हैं आप, दान कर सकते हैं। मैं राशियां बता देती हूँ। देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि समय बदल रहा है आपका, चेंजेस की तरफ आपका टाइम जा रहा है। आपका टाइम रुका हुआ है काफी लंबे टाइम से, आप परेशान हो, स्ट्रेस में हो, मैं चीज को देख रही हूँ। रात रात भर आप सो नहीं पाते हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। बीच रात में आपकी आंख खुल जाती है, ठीक है, ऐसा मेरे को यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है। ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ कि अगर आप सो रहे हो अचानक से आंख का खुल जाना, एकदम से आपको फीलिंग्स लव होने लगना, एकदम से मूड स्विंग होना आपका, या आप एकदम से बेचैन हो जा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ मैं आपको बता देती हूँ। कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पर्सन जब भी आपको बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं, बार बार आपका नाम लेते हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि ये पर्सन जो है ना, ये आपको बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं। कोई कोई लोग होते हैं ना गाइस, बहुत ज्यादा शो करते हैं, बट आपके पर्सन यहाँ पर शो नहीं करते हैं। इनके दिल में सच्चा लव है, ट्रू लव है, सच्चाई है इनके दिल में आपके लिए। और वो सच्चाई इनकी इतनी ज्यादा ट्रू है कि जैसे ही आपको नाम भी आपका लेते हैं ना, वो आपको सुनाई दे जाता है। इसे कहते हैं ना ट्रू लव, सच्चा लव, इसको बोलते हैं गाइस, ठीक है। उनकी फीलिंग्स इतनी ट्रू है, उनकी भावनाएं इतनी ट्रू है आपके लिए कि वो अगर आपको आपका नाम भी लेते ना सच्चे दिल से, कहते ना कि सच्चे दिल से पुकारी गई हर बात ईश्वर भी सुनते हैं, है ना। तो ये बात ठीक है कि ईश्वर भी सुनते हैं, और जिसको आप सच्चे दिल से अगर किसी का नाम लेते हो तो वो भी सुना देती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कई बार आपको एकदम से उनकी याद आ जाती है, आप रो पड़ते हो, या अचानक से बेचैनी होने लगती है, रात में सोते सोते आँख खुल जाते हैं, माइंड से 24 आवर्स नहीं निकलते, जो इसका रीजन है वो रीजन यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि 24 आवर्स वो आपको मिस करते हैं, और सच्चे दिल से मिस करते हैं। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना, सच्चे दिल से लिया हुआ नाम से ही आपको एनर्जीज मैच हो जाती है, और वो पर्सन जो है वो आपको एकदम से याद करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर मुझे शो हो रही है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है गाइज, और इस वक्त फीलिंग एलोन की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, सेपरेशन में हो। तो मैंने राशियां आपको बता दी है, कुछ राशियां मैं और बता देती हूँ आपको। जो राशियां मुझे दिख रही है इसमें सबसे पहले मुझे धनु राशि दिख रही है, कुंभ दिख रही है, कन्या दिख रही है, मिथुन राशि दिख रही है, वर्गो दिख रही है, लिब्रा, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, टॉरस दिख रही है। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने सारी राशियां कवर कर ली हैं आज भाई। मोस्टली जब मैं डिटेल्स में रीडिंग करती हूँ ना गाइस, तो मुझे ज्यादातर राशियां दिखाई देती हैं, है ना। तो यहाँ पर सिचुएशन जो दिख रही है वो आज काफी ज्यादा पॉजिटिव आ रही है, लेकिन किसी चीज को लेकर आपके पर्सन आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। और मैं कार्ड को देखकर, मुझे यकीन है कार्ड को देखकर कि आपका रियूनियन तो अभी इस वक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का फीलिंग्स आ रही है ना, उनकी भावनाएं आपके लिए आ रही है ना, ये पूरी की पूरी रियूनियन की तरफ ही जा रही है। बट अगर फिर भी नहीं हुआ है रियूनियन, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जी स्लो है, स्ट्रक है। अच्छा, ये जो एक्शन लिया है ना आपके पर्सन ने कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये एक्शन है उनका, जबरदस्त एक्शन वो सोच समझ कर लिया हुआ है। सेकंड चीज, बिल्कुल अकेले है इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो आपके लाइफ, आपके अलावा उनके लाइफ में कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं, फीलिंग अलोन है। और ना मतलब ये जो बैठे हुए हैं ना, उनकी जो एनर्जीज आ रही है, इसी एनर्जीज में वो आपको मिस करते हैं बहुत ज्यादा। सो गाइज, रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। एंजल साइन नोटिस कीजिएगा, एंजल साइन कितने दिख रहे हैं आपको, एंजल साइन, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि एंजल साइन आपको दिख रहे हैं।
ड्रीम्स में अगर आपके पर्सन आपको नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी एक बहुत ही बड़ा एंजल साइन है जो कि यहाँ पर इस वक्त आपके रियूनियन की पॉसिबिलिटीज को बता रहा है। कब किस वक्त रियूनियन के चांसेस ज्यादा है अगर आपकी एनर्जीज स्टक नहीं है, अगर एनर्जीज स्टक है तो फिर तो आपको बहुत ही ज्यादा उस पर डीपली जो है वो स्टडी करनी होगी कार्ड की कि क्यों है एनर्जीज स्टक। लेकिन अगर एनर्जीज स्टक नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो मैं आपको कुछ साइन बता देती हूँ। एंजल साइन जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं वो एंजल साइन एक तो ड्रीम्स में दिखना, फर्स्ट यहाँ पर आपको अचानक से ही पता चल जाना कि वो मुझे मिस कर रहे हैं, उनका नाम बार बार दिखाई देना, उनका नाम बार बार कानों में सुनाई देना, आपके पर्सन से रिलेटेड कोई भी चीज ऐसी जुड़ी हुई आपको बार बार दिखना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजल साइन है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इमोशनल हो जाना, 24 आवर्स एक ही व्यक्ति आपके दिमाग में चलता रहना, सोते जागते उठते बैठते वो व्यक्ति ही दिमाग में हर समय रहना, मतलब आपको एंजल कह रही है कि वो तुम्हें मिस कर रहे हैं और वो तुम्हारी लाइफ में आएंगे, तुम उन्हें नहीं भूल सकते। एंजल आपको भूलने नहीं दे रही है, आप चाहते हो कि या तो ये आ जाए पर्सन या दिमाग से निकल जाए, है ना, वो आपको नहीं भूल पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं एंजल साइन है, यूनिवर्स का साइन है, और जो सपने आपने देखे ना इनके साथ, आपके पर्सन के साथ जो ड्रीम्स आपने देखे ना, वो ड्रीम्स आपके पूरी तरीके से यहाँ पर आपके सपने पूरे होंगे। जो भी ड्रीम्स आपने इनके साथ देखे वो कोई भी ड्रीम्स हो सकते हैं, शादी को लेकर, लव लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, कोई अच्छे ड्रीम्स जो है ना वो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, इस चीज का संकेत यूनिवर्स की तरफ से कि तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे करूंगा मैं, तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम बस धैर्य रखो, पेशेंस रखो, पॉजिटिव रहो, अपने माइंड में पॉजिटिविटी को बना के रखो, है ना, नेगेटिव अपने माइंड को नहीं करो, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे, हर सच्चाई तुम्हारे साथ होंगी, सारी चीजें तुम्हारी हेल्प होगी। तो एक ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है ना, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको पूरी तरीके से मिलाएगी और वो ऊर्जा आपको संकेत दे रही है, उस ऊर्जा को पहचानो। ठीक है, ब्रह्मांड में अनेकों अनेक घटनाएं होती हैं, पर कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो आपको संकेत देती हैं, हर पल संकेत देती हैं, उन संकेतों को पहचानो। ठीक है, एंड यहां पर कोई पर्टिकुलर नंबर भी दिख रहा है मुझे, 9 नंबर दिख रहा है और 7 नंबर दिख रहा है, 9, 7 और 5 नंबर एंड 2 नंबर 3 नंबर। इस नंबर पर ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर आपको कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉल आने का जो टाइम दिख रहा है वो इन्हीं नंबर से रिलेटेड हो सकता है, जो कॉल आने का टाइम होगा वो इन्हीं नंबर से रिलेटेड होगा। इन नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा, जो नंबर्स मैंने बोले हैं, आपके कॉल आने का, मैसेज आने का नंबर है ये। जो डे मुझे दिखाई दे रहा है वो डे मुझे पर्टिकुलर वो डे दिख रहा है जिसमें आपका कोई कुछ भी आपकी सेरेमनी हो सकती है, आप मिलने का डे हो सकता है, आपका कोई भी ऐसा डे जिस डे आपने पहली बार बात की हो वो डे पर भी आपके पर्सन का कांटेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। एंजल नंबर याद रखिएगा, ये जो सिचुएशन दिख रही है आपके पर्सन की, ये जबरदस्त एक्शन दिख रहा है उनका आपके लिए। ठीक है, सो आई होप सो कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रियूनियन से रिलेटेड मैंने हर चीज़ आपको बताई है, कितना रेजोनेट कर रही है आपको मेरी रीडिंग आप मुझे बताना, कहीं आपकी भी एनर्जी डिस्ट्रक्ट तो नहीं है जो सिचुएशन दिख रही है। अगर आपका रियूनियन हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुबारक हो आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रियूनियन एवरीडे हो रहे हैं एवरीडे, और जिनकी एनर्जी स्टक है उनकी एनर्जी अभी भी स्टक ही पड़ी हुई है। तो अगर आपकी भी एनर्जी स्टक है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, बहुत हैप्पी रखना है, अपने मन को एकदम खुश रखना है, एंड टेक केयर, बाय बाय।